से सुनना। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तीन सेक्टर्स होते हैं कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, टर्शियरी। ठीक है ना। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो सारे सेक्टर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना मतलब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आप माइनिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है ना। आप फिशिंग कर रहे हो तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऑल दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर आ जाता है, डेयरी फार्मिंग आ जाती है, फिशिंग आ जाता है और माइनिंग आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसमें होता है? जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल को कर प्रोसेस करके दूसरे फॉर्म्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इसमें जनरली दो चीजें आती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि कॉटन का धागा बनाया, धागे का कपड़ा बनाया, कपड़े का शर्ट बनाया, ये सारी चीजें कहाँ कवर होगी? तुम्हारे सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। सो एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स बाय वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दैट वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, और इसमें दो मेजर चीजें आती है। कौन कौन सी? एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब होता है सर्विस सेक्टर, टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, तो मूवी देखने जाते हो, रिटेल हो गया, वो सारी चीजें जिसमें क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर वो चीज जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या कर रही है? सपोर्ट सिस्टम की तरह बिहेव करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। Those activities that help in development of primary and secondary sectors, they do not produce good, but aid or support for the production process. Example, transportation, banking, wholesale, retail, storage, communication, ये सारी चीजें कहाँ कवर होती है? सर्विस सेक्टर में कवर होती है, ठीक है। What are the recent emerging services? तो हम लोगों ने बोला इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर सर्विसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज जीडीपी या फिर डिफाइन जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब कॉटन से धागा बना, लेकिन धागा से फैब्रिक बना, और फैब्रिक से क्या बना? शर्ट। तो इसमें हम लोग कॉटन धागा फैब्रिक नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? शर्ट। लेकिन अगर कॉटन से सिर्फ धागा ही बना तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? धागा। तो कॉटन नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? धागा। आया समझ में? ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एनी सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं? तीनों सेक्टर्स के जीडीपी को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हमारे नेशनल जीडीपी पे आ जाते हैं। आपके देश का जीडीपी बताता है कि आपका इकोनॉमी कितना बड़ा है, यानी कि आपके देश में कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओवर द इयर्स सिंस लास्ट 2-3 डेकेड्स सबसे ज्यादा ग्रो कौन कर रहा है? हमारा टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कौन ग्रो कर रहा है? टर्शरी सेक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि टर्शरी सेक्टर दिन पे दिन क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि इंडिया में एक तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी बेसिक सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे कि क्या? हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इन पे गवर्नमेंट क्या करी? बहुत ज्यादा फोकस करी, तो इस सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है। सेकंड क्या है? सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो भी किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, रिटेल की, होलसेल की, ठीक है ना। तो जब जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करेगा? डेवलप करेगा, तो सर्विस सेक्टर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कोल्ड स्टोरेज की डिमांड बढ़ जाएगी, वेयर हाउसेस की डिमांड, ठीक है ना।
एज द इनकम्स ऑफ पीपल राइज दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म शॉपिंग होटल. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये लोग डिमांड करने लग जाते हैं जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है. ठीक है, तो लोग सोचते हैं अब सिर्फ घर में क्यों बैठे, अब हम घूमने जाएंगे, हम हफ्ता भर मेहनत करते हैं तो हम संडे मूवी देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे. ठीक है, इसके अलावा ओवर द इयर्स बहुत सारी नई सर्विसेज कहाँ पे आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस पे आ गई है, जैसे कि डेटा एंट्री आ गया है, डेटा वैलिडेशन आ गया है, डेटा एनालिटिक्स आ गया है. तो ये नई नई सर्विसेज है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी. अच्छी बात क्या है, सर्विस सेक्टर में ग्रो क्यों होता है, ये हर तरह के बंदों को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. अनस्किल्ड लेबर भी सर्विस सेक्टर में काम कर सकता है, सेमी स्किल्ड भी सर्विस सेक्टर में काम करता है, और एजुकेटेड लेवल तो वर्कर्स तो करते ही हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर सर्विस सेक्टर इज. मूविंग ऑन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तुम्हारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहां बंदा एम्प्लॉयड तो है, ठीक है ना, दिखता भी है कि काम कर रहा है, पर वो सच्ची में काम नहीं करता क्योंकि वो अपने पोटेंशियल से कम काम करता है. आ रही बात समझ में. जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के चार बच्चे हैं, ठीक है, तो पहले एक दुकान थी, मिस्टर एक्स अकेले संभाल लेते थे और प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहे थे. अब मिस्टर एक्स प्लस उनके चार बच्चे क्या कर रहे हैं, वही दुकान संभाल रहे हैं. तो देखा जाए तो वो जो दुकान है वो मिस्टर एक्स अकेले भी संभाल ही सकते थे. आज की डेट में कस्टमर्स इतने ही है, ठीक है, या थोड़े बहुत बड़े मार्जिनली, लेकिन दुकान अभी भी उतनी ही है. तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा हैंड्स काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा हैंड्स अपना 100% उसमें नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि वो एक्स्ट्रा हैंड्स अगर 100% उसमें नहीं दे रहे हैं तो वो कहने को या दिखने को तो काम कर रहे हैं पर सच में वो काम नहीं कर रहे हैं. इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. आई बात समझ में, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट. अब हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज्यादा. तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हम लोगों ने बोला क्या कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी क्या चीजें कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल जाए. जैसे कि वो बोलती है डैम्स बनाओ, कैनाल्स बनाओ, रूरल रोड्स बनाओ, तो इन सब पे पैसा कौन लगाती है, गवर्नमेंट. लेकिन अब जब गवर्नमेंट डैम बनाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. वो कैनाल बनाएगी तो भी बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा बल्क में, क्योंकि ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है. क्लियर. सेकंड क्या करती है गवर्नमेंट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है. तो जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं या छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको कम रेट पे लोन्स प्रोवाइड होते हैं तो वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स क्या करेंगे, सस्ते में खरीद लेंगे, और जैसे उनका सीजन खत्म होगा तो वो लोन क्या कर देंगे, वापस कर देंगे. क्लियर. थर्ड, गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या करो, इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव देती है. हमारी जैसे हिस्ट्री बहुत रईस है, तो इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिव देगी कि आप बेटा क्या करो, कहाँ अपनी कंपनी या फैक्ट्री डालो, जहां पर रूरल एरिया है या सेमी रूरल एरिया है. तो जब आप अपना काम वहां डालोगे तो एक तो वहां के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, और आपके एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में वहां पर लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा. ठीक है, तो वहां पे मिस्टी भी अपनी फैक्ट्री खोल लेगी, अब मिस्टी भी वहां अपनी फैक्ट्री खोल लेगी तो और लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. अब इन दोनों को गवर्नमेंट बोलेगी 5 साल तक टैक्स देना ही मत, क्यों, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे. फिर क्या करेगी, हीर भी खोल लेगी, ठीक है, हीर बैंक खोल लेगी वहां. क्यों, क्योंकि ये जो है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे तो बैंक अकाउंट्स में देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, अपने बैंक की एक ब्रांच खोल लेगी. क्यों, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, इसके पास तो रेडी मार्केट है, इनको भी पेमेंट्स आएंगे इसके बैंक में, इनको भी पेमेंट्स आएंगे इसके बैंक में, ये जो सैलरी डिस्बर्स करेंगे वो भी इधर पे. अब इनको लगा क्या कि यहाँ पे लोग रोज आ जा रहे हैं तो इसने बस सर्विस स्टार्ट कर दी. आ रही बात समझ में. तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिव्स देती है. क्या कि आप इस तरह की इंडस्ट्रीज ऐसी जगहों पर खोलो जिससे क्या होगा, आप तो एम्प्लॉयमेंट आप तो कमाओगे ही कमाओगे, प्लस आप बहुत सारे लोगों को क्या कर पाओगे, एम्प्लॉयमेंट भी दे पाओगे. आ रही बात समझ में. तो आप एक कोल्ड स्टोरेज खोल लो, आप हनी कलेक्शन कैपेसिटी खोल लो, तो वो एरिया धीरे धीरे क्या होता जाता है, डेवलप होता जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. अब जिससे ये भी नहीं हो रहा है ना, हमने देखा पहले गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, फिर गवर्नमेंट ने क्या करा,
लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में लोन्स दे दिए, फिर गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए इंसेंटिव दे दिए कि आप खुद ही जनरेट करो और दूसरे लोगों को भी काम दो, ये भी नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तब 2005 में, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, 100 days ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे, और अगर गवर्नमेंट आप फेल हो जाती है, आपको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाती है, तो आपको क्या करेगी, फिर उस दिन के पैसे देगी कि हम लोग आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए। आई बात समझ में? तो अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड इन नीड ऑफ वर्क हैव बीन गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट वुड गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। इज दैट क्लियर? मेरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट के अंडर खुद को रजिस्टर करवाता है कि हम एक रजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस होते हो तो आपको गवर्नमेंट के क्या करने पड़ते हैं, सारे की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो बंदे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके पास क्या रहते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर रहता है और सेफ रहता है। मतलब ऐसा नहीं तो आज बोलेंगे और कल आपको निकाल देंगे, ठीक है? तो जो बंदे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है ना? ऐसा दूसरी चीज, उन लोग के पास एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी रहती है, यानी कि उनका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर रहता है, मतलब उनको निकालने के पहले क्या करते हैं वो, तीन इनको निकालने के पहले 3 महीने का या 1 महीने का क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, ठीक है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ रहता है क्या कि आपका एस्टैब्लिशमेंट कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कितने बंदे काम करते होना चाहिए, अगर बंदे काम कर रहे तो उनको कितनी कितनी फैसिलिटीज हम लोग को देनी है, कितनी कितनी फैसिलिटीज नहीं देनी, मतलब इतने बंदे है ना तो इतने एरिया में इतने पंखे होने चाहिए, इतनी लाइट होनी चाहिए, इतने वॉशरूम्स होने चाहिए, वॉशरूम का एरिया इतना होना चाहिए। अगर आपके इधर पे फीमेल एम्प्लॉयज हैं तो वहां पे बच्चों के क्रैशेस की वो रहनी चाहिए क्या, फैसिलिटी रहनी चाहिए। सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं। फिर उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगता है, मतलब कम से कम आपके अपने वर्कर्स को आपको इतना पेमेंट तो करना पड़ेगा ही, आपको उनको बोनस हर साल देना ही पड़ेगा, आपको उनको ग्रेच्युटी हर साल देना ही पड़ेगा, आपको उनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स उन एम्प्लॉयज को मिलते हैं जो कहाँ काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहां पे आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और अगर आपका मालिक आपको वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करवा रहा है तो आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, क्लियर है? वहां पे ड्रिंकिंग वाटर से लेके सारी चीजें अच्छी रहती है, ठीक है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, ये ऐसे कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती है, या डेली वेज अर्नर्स रहते हैं वो लोग जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट में या स्ट्रीट वेंडर्स में। यहाँ पर आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते, ना पेड लीव मिलती है, ना सिक लीव मिलती है, आपकी वेजेस क्या रहती है, कम रहती है, आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं रहता, जब बंदे की इच्छा होगी आपको हो सकता है वो क्या कर दे, निकाल दे। तो इस तरह से सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह के लोग पढ़ते हैं, जो एजुकेटेड कम रहते हैं, ठीक है, जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना इतना बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल वर्कर्स, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस, ठीक है ना, जैसे कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ये लोग हो गए, वीवर्स, ठीक है ना। व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको क्या है, हमारी हेल्प की जरूरत है, क्यों, बिकॉज उनके पास फंड्स हमेशा क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हटके अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर पाए, जैसे उनको क्या करें, हम लोग लोन्स दे दें, स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए कुछ पैसा दे दें, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर में अच्छा सस्ते सीड खरीद के अच्छे से अपनी फसल उगा के अपना काम खुद से कर पाए, या वो अपनी छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल ले, जैसे कि इंसेंस स्टेक, बास्केट वीविंग, इस तरह की। तो वो वर्कर्स को क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, उनको हम लोग थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे कि मार्केटिंग कैसे करते हैं या अपना बिजनेस कैसे इंक्रीज करोगे, ठीक है?
ओनरशिप की टर्म्स में दो तरह का बिजनेस सेक्टर होता है, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या रहता है, जो गवर्नमेंट रहती है वो ओनरशिप होती है, तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है लोगों के क्या करेगी, वेलफेयर के लिए करेगी, मतलब उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो असेट्स रहते हैं या जो भी आप काम कर रहे हो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं, तो वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, एक तो जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा है और रिस्क बहुत ज्यादा है, तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इतना पैसा नहीं लगा पाएगा और इतनी हाई रिस्क भी नहीं ले पाएगा और लॉसेस भी इनकर नहीं कर पाएगा। और जो छोटे मोटे बिजनेसेस रहते हैं या वो बिजनेसेस जो होते बड़े हैं लेकिन पहले प्रॉफिटेबिलिटी उसमें पहले दिन से दिख रही, वहां पर कौन हाथ डालते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले हाथ डालते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ